ऑस्ट्रेलिया विन द वर्ल्ड कप फॉर द सिक्स टाइम, द बिगेस्ट फ्रॉड इन ओडीआई वर्ल्ड कप। इंडिया के हार के बाद सूर्या को इतना ही नहीं कहा गया बल्कि इतना तक कह दिया गया कि T20 में हीरो तो वनडे में जीरो। बट हु इज सपोर्टिंग सूर्य कुमार यादव, क्योंकि सूर्य कुमार यादव का करेंट फॉर्म पूरी तरह से खराब है। हर जगह सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि T20 मास्टर का वनडे कैरियर अब खतरे में है, क्योंकि उनके वनडे के परफॉर्मेंस उसके T20 कैरियर से कहीं कोसों दूर थी। जिसके बारे में सूर्या भी कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरे वनडे के नंबर्स बिल्कुल खराब है। तो ऐसे में सिर्फ एक ही डर सता रहा था कि वनडे में अपने खोई हुई रिस्पेक्ट को वापस करते करते सूर्या कहीं अपने आप को ही ना खो दे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ खिलाने के चक्कर में आपका T20 का रॉक स्टार ही चला जाए। लेकिन सूर्या ने अपने मेहनत और कड़े संघर्ष से हमेशा ही सबको चौंकाया है, क्योंकि सूर्या का कैरियर तब स्टार्ट हुआ जब लोगों का रिटायरमेंट हो जाता है। तो ऐसे में क्या यहाँ भी लोगों को वो गलत प्रूफ कर पाएंगे, या इसी चक्कर में इंडिया अपने T20 के सुपर स्टार को खो देगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन शर्मा X Y 3 के स्पेशल एपिसोड, कहानी सूर्य कुमार यादव के फिसड्डी बनने की। जिस पल का सूर्या और उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार था वो पूरा होने वाला था। जैसे IPL स्टार्ट हुआ और जैसे जैसे IPL जा रहा था, उससे ऐसा ही लग रहा था कि अब सूर्या का 10 साल का वनवास खत्म होने वाला है। और सभी यही आस लगाए हुए बैठे थे कि BCCI अब उनका टीम इंडिया के लिए नाम अनाउंस करेंगे। लेकिन जब टीम इंडिया के लिए सिलेक्टेड प्लेयर्स की लिस्ट आई तो उसमें सूर्या का नाम कहीं दूर दूर तक भी नहीं था, जिससे निराश होकर उस दिन सूर्या ने ना तो खाना खाया और ना ही किसी से बातें कर रहे थे। सबको यही लगने लगा था कि सूर्या के लिए अब टीम इंडिया के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होने वाली थी, बल्कि ये तो शुरुआत थी। क्योंकि एक कहावत है ना, एक अच्छे किरदार एक अच्छे एक्टर को ही दिया जाता है, और इस बार उस महान किरदार को निभाने की बारी थी इंडियन मिस्टर 360 डिग्री यानी सूर्य कुमार यादव की। कोविड की वजह से अरब में चल रहे इस बड़े मुकाबले में जब MI टारगेट को चेस करने उतरी, तब विराट की सेना ने MI के धराधर विकेट लेकर उनको ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया जहां जीत की उम्मीद खत्म सी हो चुकी थी। लेकिन तभी मैदान में उतरते हैं सूर्य कुमार यादव, और सूर्या उस दिन कुछ अलग ही टेम्परामेंट के साथ उतरे थे, क्योंकि उस दिन सूर्या अकेले ही RCB से लड़ रहे थे और अकेले ही वो उस मैच को RCB से दूर ले जा रहे थे। लेकिन तभी मैच के बीच में कुछ ऐसा हुआ जो सभी के लिए शॉकिंग था, क्योंकि विराट कोहली अचानक ही सूर्या को स्लेजिंग करने लगते हैं, और वो दृश्य ऐसा था कि जिसमें किसी भी प्लेयर का टेम्परामेंट हिल जाए। लेकिन उस दिन सूर्या कुछ अलग ही अंदाज में थे, क्योंकि उस दिन सूर्या उस स्ट्रेट डाउन का जवाब मुंह से नहीं बल्कि अपने बल्ले से देते हैं और RCB के नाक के नीचे से मैच को छीन कर लेके चले जाते हैं। और उस दिन उसके बल्ले ने ऐसा धमाल मचाया था कि उस दिन उसके मौजूदगी का एहसास पूरी दुनिया को हो चुका था, पर इस जीत के बाद भी उनकी आंखों में दर्द था, और वो दर्द था उन 10 सालों का इग्नोरेंस का जो साल दर साल बढ़ते जा रहा था, क्योंकि वो इग्नोरेंस ऐसी थी जिसने सूर्या को अंदर से पूरी तरह से झकझोर दिया था। और ये बात उन्होंने अपने इंटरव्यू में कई बार बोला भी है। मुंबई में रोज हजारों लड़के क्रिकेटर बनने का सपना लेकर आते हैं, उसी बीच में सूर्या का भी लिस्ट ए में डेब्यू हो जाता है। सूर्य कुमार यादव अपने डेब्यू मैच में 5 चौकों की मदद से शानदार 41 रनों की पारी खेलते हैं, और उनके उसी परफॉर्मेंस का परिणाम था कि उनका मुंबई के T20 टीम में भी सिलेक्शन हो जाता है, और अब कुछ ही महीने बाद उनको रणजी में भी डेब्यू करने का मौका मिल जाता है। और अपने डेब्यू मैच में वो शानदार हाफ सेंचुरी लगाते हैं, क्योंकि उस मैच में वो शानदार 73 रनों की पारी खेलते हैं, और ये डेब्यू उनके लिए बहुत ही शानदार रहता है। अब सूर्या रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, अब वो जिस ग्राउंड में खेलते वही रनों का अंबार खड़ा कर देते, कहीं शतक तो कहीं दोहरा शतक। उस सीजन में मात्र 9 मैचों में ही 754 रन बनाकर उस सीजन के वो मुंबई के लिए हाईएस्ट रन गेटर थे। और उस सीजन में सूर्या जिस तरह के लय में थे, उसे सबको कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि सूर्या जल्द से जल्द टीम इंडिया में डेब्यू करने वाले हैं। और फिर आता है सूर्या के जीवन में वो पल जिसका हर एक प्लेयर को इंतजार होता है, और वो होता है IPL। जिस ऑक्शन में गौतम गंभीर और युवराज सिंह जैसे बड़े प्लेयर्स पर बीडिंग वॉर्स हो रहे थे, वहाँ मुंबई इंडियंस ने खरीदा रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को। पर जो टीम हमेशा अपने बड़े प्लेयर्स के लिए जानी जाती है, उसमें सूर्या के लिए अपना जगह बनाना बहुत ही मुश्किल था। वो डोमेस्टिक में अपने बैटिंग से आग उगल रहे थे, पर IPL में अपनी काबिलियत दिखाने का उनको मौका ही नहीं मिल रहा था। और उनके जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब कोलकाता उनको 70 लाख में अपनी टीम में शामिल करती है, और कोलकाता की तरफ से जब उनको परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है, वो अपने परफॉर्मेंस से सभी के दिलों को जीत लेते हैं, क्योंकि उनके कुछ अहम पारियों के वजह से ही KKR उस सीजन में विजेता बनी थी। और सूर्या का टेम्परामेंट और बेखौफ बल्लेबाजी को देखकर उनको KKR को वाइस कैप्टन बना दिया गया, पर रोल मिला तो फिनिशर का। उनको मौके तो मिल रहे थे, लेकिन उनका बैटिंग ऑर्डर इतना नीचे था कि वो अपनी काबिलियत दिखाने का प्रदर्शन ही नहीं कर पा रहे थे। और जिस कैरियर की प्रेडिक्शन रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ने पहले ही कर दी थी,
वो कहीं थम सा गया था। वो साल दर साल डोमेस्टिक में बेहतरीन से बेहतरीन बल्लेबाजी करते, पर आईपीएल की जब बारी आती तो उनकी अनकंसिस्टेंसी इंडिया कॉल के लिए एक रोड़ा बन रही थी। हद तो तब हो गई थी जब उनके बैच के प्लेयर्स भी इंडिया में डेब्यू कर चुके थे। लेकिन सूर्या की जिंदगी ने एक बार फिर से करवट बदली और मुंबई इंडियंस ने सूर्या पर फिर से दांव आजमाया और उन्हें 3,20,00,000 रुपये में अपनी टीम में शामिल कर लिया। पर जिसको सूर्या मौका समझ रहे थे वो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज लेकर आया था, और वो चैलेंज था टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करने का, क्योंकि वो 4 साल से कोलकाता के लिए फिनिशर के तौर पर खिलाए जा रहे थे। जहां उनको पहले 15 से 20 बॉल खेलने की ही आदत थी, वहीं टॉप ऑर्डर में उतरने के लिए कम से कम 15 ओवर क्रीज पर लगातार बैटिंग करनी होगी। लेकिन सूर्या ने यहां भी हार नहीं मानी बल्कि चैलेंज को एक्सेप्ट किया। वो दिन की गर्मी में प्रैक्टिस करते और देर शाम तक बैटिंग करते, पर शायद उनके इतना बदलाव काफी नहीं था। पिच के साथ साथ अब अपने लाइफ स्टाइल में भी बदलाव करने लगे, जैसे लेट नाइट पार्टी बंद कर दी और डाइट पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, क्वांटिटी ट्रेनिंग से हटकर क्वालिटी ट्रेनिंग पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया, जिसका फल उन्हें मैच में भी देखने को मिला, क्योंकि सूर्या ने शानदार वापसी करते हुए रनों का अंबार खड़ा कर दिया और अब उनके बल्ले से निकले ये रन उनको अपने मंजिल तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, क्योंकि उनके इसी विध्वंसक पारी का परिणाम था कि मुंबई ने आईपीएल का ट्रॉफी भी जीत लिया था। चाहे डोमेस्टिक हो या फिर आईपीएल, सूर्या साल दर साल अपनी परफॉर्मेंस अपनी काबिलियत दिखाते चले जा रहे थे। अपने इनिंग्स को मैच में डीप ले जाना हो या मैच फिनिशिंग का रोल हो, वो अपने सभी रोल को बखूबी से निभा रहे थे। सारे सैक्रिफाइसेस और उनका हार्ड वर्क 2020 में पूरी तरह से झलक रहा था। हर इंसान के जुमा पर एक ही नाम था और वो नाम था सूर्य कुमार यादव, क्योंकि मुंबई इंडियंस को 2019 में ट्रॉफी दिलाने के बाद 2020 में भी विजेता बना चुके थे। अब उनको ऐसा लगने लगा था कि अब उनके लिए टीम इंडिया के लिए कॉल आ ही जाएगी, पर अब भी ऐसा नहीं होने वाला था, क्योंकि अब भी उनको एक हार्ट ब्रेक मिलने वाला था। क्योंकि इस बार भी जब टीम इंडिया का ऐलान हुआ तो उसमें सूर्य कुमार यादव का नाम कहीं दूर दूर तक भी नहीं था। जब हर चीज आजमाने के बाद, इतने साल बीत जाने के बाद हाथ में सिर्फ असफलता हो, जब सारे रास्ते सारे दरवाजे बंद होने लगे, तो मन से सिर्फ एक ही आवाज आती है, गिव अप, गिव अप। लेकिन सूर्या ने यहाँ गिव अप नहीं किया बल्कि अपने मेहनत को जारी रखा और विजय हजारे ट्रॉफी में मानो रनों का बरसात ही कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि चल रहे टूर्नामेंट के बीच में ही उनका फोन बजता है और जिसके बाद सूर्या अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं और हड़बड़ी में अपने परिवार को वीडियो कॉल करते हुए कहते हैं कि मेरा टीम इंडिया में सिलेक्शन हो गया, और यह सुनकर उनका पूरा परिवार खुशी से रोने लगा था। और अब सूर्या को वो सारी यादें आने लगी जिसने उनको यहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि पिछले 4 साल में उन्होंने इतनी कड़ी संघर्ष की थी जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो बैट्समैन पहले 15 से 20 बॉल ही खेलता था वो बैट्समैन अब 20-20 ओवर तक बैटिंग करता था, और उसी का परिणाम था कि उनको टीम इंडिया में भी खेलने का मौका मिला। अब सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया के लिए डेब्यू करते हैं और डेब्यू करते ही अपने पहले ही बॉल पे शानदार सिक्स लगाते हैं और वो ऐसा करने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज बन जाते हैं। सूर्या ने अपने डेब्यू मैच में ही 6 चौके तो 3 गगनचुंबी छक्कों के मदद से शानदार हाफ सेंचुरी लगाई। जिस फियरलेस अंदाज के लिए सूर्या जाने जाते थे, उन्होंने उसी अंदाज में अपने कैरियर का आगाज भी किया और वहां से स्काई ने ऐसी उड़ान भरी कि अपने बल्लेबाजी का डंका पूरी दुनिया में बजा कर रख दिया, क्योंकि दुनिया में अभी एक भी ऐसी टीम नहीं है जिसकी सूर्या ने पिटाई ना की हो और एक भी ऐसे गेंदबाज नहीं है जो सूर्या से बच पाया हो। T20 में डेब्यू होने के बाद अब उनका ODI में भी डेब्यू हो जाता है। अब इंडिया को उनके मिडिल ऑर्डर का नया सितारा मिल गया था, क्योंकि मात्र 55 बॉलों में ही 117 रन बनाकर उन्होंने अपनी पहली सेंचुरी भी बना डाली। वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे थे। सूर्या की चमक T20 में ऐसी है कि वो जहां कदम रखते हैं वहां पर बवाल मचा देते हैं, और इसी का परिणाम है कि 2022 में वो ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बने। पर जो सूर्या T20 में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, उनके ODI के आंकड़े कुछ अलग ही पिक्चर दिखा रहे थे। वो जिस सीरीज के T20 मैच में आग उगल रहे थे, उसी सीरीज के ODI मैच में वो गायब होने लगे थे। अब जितना इंतजार सूर्या को ODI में काबिलियत दिखाने की थी, अब उतना ही इंतजार उनके फैंस को उनके ODI में काबिलियत देखने की थी, और उसका मुख्य कारण यदि कोई था तो वो था ODI वर्ल्ड कप, क्योंकि सबका यही मानना था कि ODI वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। अब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, सूर्या को टीम के 15 में शामिल कर लिया गया, लेकिन शुरुआती मैचों में उसको प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला। लेकिन जैसे ही हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए, वैसे ही स्काई की प्लेइंग 11 में एंट्री हो गई। अब सूर्या के लिए अग्नि परीक्षा था, क्योंकि सूर्या के वनडे में आंकड़े कुछ खास नहीं थे और जिसका डर था वही हुआ, क्योंकि पहले मैच में सूर्या एक गलत कॉल के कारण रन आउट हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया वो मैच जीत जाती है
भारतीय टीम का विजय रथ अब आगे बढ़ता जा रहा था। पर सूर्या के फैंस निराश थे, क्योंकि जब भी डेथ ओवरों में उनकी बल्लेबाजी आती तो सभी उनसे छक्के चौके की मांग करते थे, लेकिन वो इस उम्मीद पर खड़े नहीं उतर पाते थे क्योंकि वो जल्दी अपना विकेट फेंककर पवेलियन लौट जाते थे। जिससे अब सूर्या के फैंस ये मांग करने लगे थे कि सूर्या को क्रीज पर जल्दी भेजो, लेकिन किसको पता था कि ये मौका वर्ल्ड कप के फाइनल में आने वाला है। टीम इंडिया की फाइनल में शुरुआत तो बहुत ही अच्छी हुई थी, लेकिन अचानक ही एक एक करके विकेट गिरते चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम ने उस मैच में अपनी पूरी जान झोंक कर रख दी थी। ये ऑस्ट्रेलिया वो ऑस्ट्रेलिया नहीं लग रही थी जिसको इंडिया लीग मैच में हरा कर यहाँ तक पहुंची थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने टैक्टिक्स और प्लानिंग से मैच में पूरी तरह से पकड़ बनाई हुई थी। लेकिन अब भी एक आस बची हुई थी और वो थे सूर्या। और अब सूर्या की मैदान में एंट्री होती है और अब सबको यही लग रहा था कि सूर्या यहाँ से टीम इंडिया को संभाल लेंगे और टीम इंडिया फाइटिंग स्कोर तक पहुंचा देंगे। और वो शुरुआत में ऐसा कर भी रहे होते हैं क्योंकि वो मैच को डीप ले जा रहे होते हैं, लेकिन ना जाने कि उस दिन सूर्या के बल्ले में क्या हो गया था। मानो कि उस दिन सूर्या के बल्ले में जंग सा लग गया हो, क्योंकि उस दिन उसके बैट और बॉल में कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा था, जिसका परिणाम ये हुआ कि टीम इंडिया 240 में ऑल आउट हो जाती है और इंडिया यह मैच हार जाती है। जिसके बाद टीम इंडिया के हार का पूरा गुस्सा यदि किसी खिलाड़ी पर उतरता है तो वो खिलाड़ी होते हैं सूर्य कुमार यादव, क्योंकि उसके बाद सूर्या पर कई सवाल उठाए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि हु इज सपोर्टिंग सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव के बारे में अब आर्टिकल पर आर्टिकल छपने लगते हैं, जिसमें लोग कहते हैं कि सूर्य कुमार यादव का ओडीआई करियर अब खतरे में है। और कई लोग तो ये लांछन लगाने से भी पीछे नहीं हटते हैं कि वर्ल्ड कप में हार का कारण यदि कोई खिलाड़ी है तो वह है सूर्य कुमार यादव। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि वर्ल्ड कप में हार का कारण सूर्य कुमार यादव नहीं, बल्कि पैट कमिंस का मास्टरमाइंड स्ट्रेटेजी थी, जिसने टीम इंडिया को मैच में पूरी तरह से बांध कर रख दिया था। और जहां तक सूर्या के ओडीआई करियर की बात है तो बेशक उनके नंबर्स अच्छे नहीं है, पर क्या सूर्या सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलने के लिए बने हैं? इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं। लेकिन आपसे एक सवाल है कि जिस प्लेयर ने 11 साल तक इग्नोरेंस को झेला हो और उस इग्नोरेंस के बाद हार ना मानी हो, वो प्लेयर क्या यहाँ पर हार मान जाएंगे? वैसे इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।